यह पूरे विश्व स्तर पर वैज्ञानिक तरीके से मान्य किया गया है। इसमें धीरे धीरे लंबा गहरा सांस भरेंगे और सांसों को धीरे धीरे बाहर करेंगे। आपका आंख बिल्कुल बंद हो जाए, आंखें बंद, आंख बंद करके प्राण शक्ति को अपने जीवन में उतारेंगे और प्राणों के माध्यम से जो शक्ति हमें मिल रही है, जो ऊर्जा हमें प्राप्त हो रहा है, उस ऊर्जा परिपथ का निर्माण करते हुए हमारे एक एक अंग ऊर्जावान हो रहे हैं। ऐसे भाव को स्थापित करके मेरा पूरा ध्यान सांसों पे टिक रहा है। सांसों को भरते हुए ओम का उच्चारण, मानसिक उच्चारण, सांसों को बाहर करते हुए ओम का मानसिक उच्चारण हो रहा है, या गायत्री मंत्रों का भी, महामृत्युंजय मंत्र का भी, संकल्प मंत्र का भी, हम किसी भी मंत्रों का मानसिक उच्चारण करते हुए उसके अर्थ को, उसके भाव को, यानी अर्थ पूर्वक श्लोक, अर्थ पूर्वक भावना पूर्वक उस मंत्रों का जप करते हुए श्वास प्रश्वास की क्रिया को दोहराते हैं। 5 सेकंड तक धीरे धीरे सांस को भरना है। आंखें बंद हो, आप भूल जाइए अपने आप को, सांसारिक बंधनों से अपने आप को हटा करके केवल आध्यात्मिक चेतना के साथ परमात्मा तत्व के साथ जुड़ने का भाव पैदा करते हुए आपके अंदर जो जो विकार है, आप या हम सभी समझते हैं कि हमारे अंदर कौन कौन से विकार विराजमान है, काम का, क्रोध का, तनाव का, उलझन का, भ्रम का, गफलत का, झगड़ा का, झंझट का, चिड़चिड़ापन का, उन विकारों को, मानसिक विकारों को सांसों के द्वारा बाहर कर रहे हैं। जब सांस अंदर भरे तो आपको लगे कि दुनिया का वो तेज शांति समृद्धि में भीतर अपने अंदर प्रविष्ट करा धारण कर रहा हूँ, स्थापित कर रहा हूँ। जब विकार निकल जाए और सद्विचार भर जाए तो मैं तो स्वतः परमात्मा तत्व हूँ, मैं तो परमात्मा की निराश कर रही हूँ, मैं परमात्मा के, भगवान के, ईश्वर के, उस परम पिता परमेश्वर के, जगदीश्वर के, सर्वरक्षक सर्वपालक के प्रतिनिधि होकर के हम काम करें, ऐसा हम समझिएगा। आप अपने आप को कभी तुच्छ नहीं समझिए, मैं छोटा सा व्यक्ति हूँ, मेरे द्वारा किया गया कर्म दूसरे को क्या लाभ देगा। आप यह मान करके चलिए कि मैं कृष्ण हूँ, मैं राम हूँ, मैं बुद्ध हूँ, महावीर हूँ, मैं सीता, लक्ष्मी, पार्वती, दुर्गा, ऐसे चरित्र हमारे जीवन में धीरे धीरे प्रवेश कर रहे हैं सांसों के द्वारा, भावना पूर्वक, अर्थ पूर्वक। जब यह स्थापित हो जाए तो धीरे धीरे आंखों को खोलते हुए अब हमारे चारों तरफ दिव्य वातावरण तैयार हो गया। हमारे अंदर और बाहर चारों तरफ परमात्मा तत्व का वायुमंडल, एक ऐसा वातावरण बना कि अब हम महसूस कर रहे हैं कि हम दात्विक हो गए। धीरे धीरे ऐसा अभ्यास करते थे, आपको लगा कुछ मन शांत हो रहा है। ये तो मैं ऐसे प्रैक्टिकल नहीं करा रहा हूँ, अभी आपको कुछ बता रहा हूँ, समय कम है, 50 मिनट में पूरा धीरे धीरे आपको कुछ परिचय करा रही हूँ। यह बलदेव साहू पब्लिक स्कूल में 5 दिनों का यह योग शिविर चल रहा है, बहुत ही विराट, बहुत ही भव्य, बहुत ही दिव्य स्वरूप के साथ चल रहा है। पूरे जिले के, देश के लोगों के प्रति यह भाव बन रहा है कि हमारे बच्चे योग को अपना लें तो हमारा राष्ट्र बदलने में समय निकलने का। आप अपने